हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देतीमन। सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितनी भी वैकेंसी अभी तक आ चुकी हैं और आगे भी आएंगी, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों तक समय पर जो है वीडियो पहुंच सके। एक स्टूडेंट का जो है कमेंट आया था कि केंद्रीय विद्यालय की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेट पहुँचा और डेट जो है निकल चुकी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल बटन को प्रेस जरूर करें, तभी आप लोगों तक यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन उसी वक्त जो है आप लोगों को मिलेगा, ताकि आप लोग समय रहते आवेदन कर सके और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आकर निकल जाती है तो वो मिस ना हो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, 8 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से वैकेंसी आई है, न्यू नोटिफिकेशन है, कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही कोई फीस आप लोगों को यहाँ देनी होगी। तो यहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, आपकी क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स हैं उनको जोड़ने के बाद जो है मेरिट बनेगी और फिर जो है फाइनल सिलेक्शन होगा और फिर जो है वो आप लोग जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर उम्र जो है 25 से 45 साल रखी गई है। तो चलिए देख लेते हैं, तो वैकेंसी आई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी से। न्यू एडवर्टीजमेंट है, 2 सितंबर को जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जनपद कौशाम्बी में 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से वैकेंसी है। आप सभी जानते हैं पहले यहाँ पर संविदा के आधार पर लिया जाता है, यहाँ पर रेगुलर परमानेंट जो वैकेंसी है वो कभी भी नहीं आती है स्टार्टिंग में, पहले यहाँ पर संविदा के आधार पर लिया जाएगा 1 साल के लिए, उसके बाद जो है रेगुलर करते चले जाते हैं। दिनांक 25 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, 5 बजे तक जो है वो आवेदन पत्र जो है वो आप भेज सकते हैं, पोस्ट के द्वारा भेजना है या रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा, ऑफलाइन मोड ही रहेगा। तो ये जो वैकेंसी है सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकाली गई है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी मंझनपुर ये एड्रेस रहेगा। पोस्ट के नाम है 3, लेखाकार, चपरासी और चौकीदार, जिसमें लेखाकार जो है उसके 5 हैं कुल पद, चपरासी के 8 पद हैं और चौकीदार के 8 पद हैं। ये सभी जो है वो महिलाएं ही रहेंगी, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर लेखाकार की जो है 11,000 है, चपरासी की 5,750 है, चौकीदार की 5,750 है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो पहले निकाली जा चुकी है, ये बाद में जो है एडवर्टीजमेंट अभी आया है। यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता लेखाकार के लिए कहा है कि कॉमर्स में जो है इन्होंने स्नातक किया होना चाहिए और साथ में एमएस ऑफिस पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। चपरासी के लिए जो है 8th पास और यहाँ पर चौकीदार के लिए भी 8th पास। उम्र जो है 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो आप देख लें। दोबारा से एडवर्टीजमेंट नीचे दिया गया है, यहां पर सिलेक्शन जो है वो कैसे रहने वाला है, तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण, इनके जो है कुल अंक जोड़कर और उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगी और चयन सीधे मेरिट के आधार पर होगा। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन होगा, पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पात्र नहीं होंगे। चौकीदार और चपरासी का पद जो है वो पूर्णकालिक होगा, ये चौकीदार और चपरासी जो है ये भी महिला ही रहने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट की 2 फोटोग्राफ, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं स्वप्रमाणित इनकी फोटोकॉपी और 2 लिफाफे पत्राचार का पता लिखते हुए 42 रुपए का डाक टिकट जो है ये आपका जो खर्च है, 42 रुपए का डाक टिकट जो है यहाँ पर अटैच करना होगा और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी मंझनपुर, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसकी मेन वेबसाइट है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ नीचे आप आएंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको नजर आएगा, नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट दी हुई है, इस पर आप लोगों को जाना है और इस तरीके का एडवर्टीजमेंट आपको नजर आएगा और नीचे जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आप जो है फिल कर लेंगे डाउनलोड करके और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें अटैच करके फोटोग्राफ के साथ में और एड्रेस पर आप लोगों को सेंड कर देना है। यहाँ पर जो है पहले भी वैकेंसी आ चुकी है जिसे मैं कवर कर चुकी हूँ पहले भी, और स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुके हैं, यहाँ पर टीचर लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो भी चुका है। तो ये जो है 5/6/2023 तक जो है वो आवेदन पत्र मांगे गए थे, जहाँ सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी आई थी, हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, स्काउट गाइड। अभी जो है वो बाकी जो 3 बच गई हैं, लेखाकार की, चपरासी की, चौकीदार की, ये वैकेंसी जो है वो अभी आई है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर पर जो एडवर्टीजमेंट है ये पहले आया था, जिसको मैंने कवर किया था और काफी स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, यानी यहाँ 1 साल के लिए पहले तो संविदा के आधार पर ही रखा जाता है, यहाँ पर परमानेंट पोस्ट स्टार्टिंग में नहीं आती है।
तो ऐसे ही वैकेंसी के लिए साथ जो है वो आप लोग बने रहें, जैसे ही वैकेंसी आती है सभी मैं कवर करूंगी, किसी भी स्टेट की हो तो आप लोग बने रहें चैनल पर, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप ना देखें और उसी दिन जो है वो आप लोगों के लिए ऐसी कोई वैकेंसी आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।